हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका किट्टू टिफ़िन में। और आज हम बनाएंगे मशरूम मटर मसाला बहुत ही कम मसालों के साथ। इसका स्वाद बहुत ही अच्छा है। इसे बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लिया है। इसमें हम थोड़े गरम मसाले सूखे वाले डालेंगे और इनको मसालों को चटकाएंगे अच्छे से। इसे जीरा, तेज़पत्ता, दालचीनी, बड़ी छोटी इलायची, जैसे ही जीरा चटक जाएगा हम इसमें मिलाएंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है। इसको होने में 5 से 7 मिनट लगेगा। मध्यम आंच पे इसको चलाते हुए अच्छे से गोल्डन ब्राउन करेंगे हम। जैसे ही गोल्डन ब्राउन होने वाला होगा हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और बारीक कटी हुई हरी मिर्च मिलाएंगे और उनको अच्छे से भूनेंगे। प्याज को लगातार चलाते हुए अच्छे से भुनें। गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसमें हम मिलाएंगे मैश किया हुआ टमाटर। ये देखिए, प्याज हमारा लगभग लगभग गोल्डन ब्राउन हो गया है। इस स्टेज पे अब हम एक कटे हुए टमाटर को मैश करके मिलाएंगे प्याज में और टमाटर को अच्छे से भूनेंगे प्याज के साथ। इससे बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर डेवलप होगा ग्रेवी में। इस टमाटर को मिक्स करेंगे हम लगातार चलाते रहें। टमाटर अभी पानी रिलीज करेगा अपना और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसमें। 4 से 5 मिनट लगेगा टमाटर को पकने में। बीच बीच में चलाते रहें अच्छे से। टमाटर हमारा लगभग अब भून के तैयार हो चुका है। अब इसमें हम मिलाएंगे मसाले पाउडर, जिसमें हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक, इन सबको अच्छे से भूनेंगे 2 मिनट के लिए मसालों को टमाटर के साथ। मसालों की मात्रा के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। ये मैं 3 जन के लिए बना रहा हूँ, उसके हिसाब से आप अपने जितने लोगों के लिए बनाएं मसाले को एडजस्ट कर लें। सूखे मसालों को थोड़ी देर के लिए भून ले अच्छे से। थोड़ा तेल बाहर निकलने लगे उस समय हम इसमें हल्का सा पानी मिलाएंगे और मसालों को अच्छे से फिर से भूनेंगे। थोड़ा थोड़ा तेल लूज आउट होने लगा है बाहर। अब हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा पानी, बहुत जरा सा, मसालों को भूनने के लिए बस। इसको मिक्स करें मसाले को अच्छे से। बहुत ही अच्छा टेस्ट है इस ग्रेवी का। आप एक बार बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगा। जैसे ही मसाला थोड़ा सा मिल जाए, एक अच्छी खुशबू आने लगे, हम इसमें फ्रोजन मटर मिलाएंगे। आपके पास हरी मटर है तो हरी मटर को मिला के पकाएं। मेरे पास फ्रोजन है इसलिए मैंने फ्रोजन का यूज़ किया है। फ्रोजन मटर को पकने में 2 से 3 मिनट लगता है। अगर हरी ताज़ी मटर है तो उसको पकने में थोड़ा समय लगता है। उस हिसाब से अपने पानी को एडजस्ट करें ग्रेवी में। और मसाला हमारा लगभग बन के तैयार है। ये हमने लिए हैं बटन मशरूम, जिसको मैंने मीडियम साइज के थे, इसको मैंने आधा आधा कट कर लिया है सारे मशरूम को। इसको हम मिलाएंगे और तेज़ आंच पे इसको 2 मिनट के लिए मसालों के साथ अच्छे से भूनेंगे। तो अच्छे से मिक्स करें, आंच को तेज़ करके 2 मिनट के लिए भूनेंगे हम मशरूम को। मशरूम को कभी भी धीमी आंच पे नहीं पकाना चाहिए। नहीं, मशरूम के अंदर पानी बहुत होता है और वो पानी जैसे ही निकलेगा मशरूम का साइज़ बहुत छोटा हो जाएगा। इसलिए मशरूम को जब भी भूनो तो तेज़ आँच पर भूनें। 2 मिनट के लिए हम मशरूम को भूनेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, मशरूम का मसाला अच्छे से भुना गया है। अब इसमें हम ग्रेवी के लिए पानी लगा देंगे। पानी डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक्कन लगाएंगे और ढक्कन लगा के इसको 8 से 10 मिनट के लिए मध्यम आंच पे पकने देंगे। 8 से 10 मिनट के बाद हम ढक्कन को हटाएंगे और ग्रेवी हमारी अच्छी बन के तैयार है। इसमें मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला था क्योंकि ग्रेवी में थोड़ा तरी टाइप चाहिए मुझे, एकदम सूखा नहीं चाहिए। अच्छे से स्टर करें बढ़िया से। अब इसमें हम मिलाएंगे कस्तूरी मेथी का पाउडर, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है कस्तूरी मेथी का। अगर आपके पास है तो ज़रूर मिलाएं, थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं आप। इसको अच्छे से मिक्स करें और थोड़ा पकने दें। इसमें हम मिलाएंगे अपना गरम मसाले का पाउडर 1 चम्मच
और इसको अच्छे से मिक्स करें। ग्रेवी हमारी बनकर लगभग तैयार है और मशरूम मटर मसाला बनके रेडी है। इसमें से जो सूखे खड़े मसाले हैं उनको हम निकाल लेंगे। अच्छे से निकाल दें। अब इसमें हम लास्ट इंग्रेडिएंट मिलाएंगे, फ्रेश क्रीम। आधा कप के करीब फ्रेश क्रीम मिला के इसके हम 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाएंगे। क्रीम को ज़्यादा देर तक नहीं पकाने चाहिए, नहीं तो क्रीम का टेस्ट कड़वा होने लगता है। इसको मिक्स करें, 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाएं बस। और बारीक कटे हुए हरे धनिया के साथ हम इसको गार्निश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये बन के तैयार है मशरूम मटर मसाला, रोटी चपाती या चावल किसी के